नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ऐसा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है आप लोग ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, नए नए पौधों की खोज में भी होंगे कि कौन सा पौधा मुझे मिले अपने दोस्तों के यहाँ तो मैं उसका आदान प्रदान करूं। और नर्सरी से भी आप लोग इसी कोशिश में लगे होंगे, हम भी लगे हैं कि कोई नया पौधा हो जो सालों साल चलने वाला हो, अच्छे फूल देने वाला हो, उसको मैं अपने गार्डन में ऐड करूं। तो चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलिए, आज मैं जो बताने वाली हूँ ये पत्थरचट्टा के बारे में बहुत अहम जानकारी देने वाली हूँ। दोस्तों ये है पत्थरचट्टा का पौधा और बहुत ही खूबसूरत इसमें फूल खिलने वाले हैं, अभी खिले नहीं हैं बंचेस में, ये कलियां हैं, देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इतना सुंदर इसकी कलियां लगी हुई हैं, अभी फूल नहीं खिले हुए हैं, फूल खिलने वाले हैं। और इसकी पत्तियां देखिए, एक ही पौधा है, ये देखिए नीचे की पत्तियाँ सर्दी की वजह से पीली हो रखी हैं, लेकिन जैसे ही धूप मिलेगी ये अपना कलर ग्रीन कलर में बदल देंगी। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ। ये कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये पथरी जिनको होती है इसके पत्ते पीस के रसा पीने से तो ठीक हो जाती है, लेकिन मैंने कभी इसका प्रयोग नहीं किया है। और इसके फूल जो है, जब ज़्यादा पौधा मैच्योर हो जाता है उस समय फूल खिलते हैं। तो दोस्तों आप एक भी पौधा अगर इसका लगा लेते हैं तो इसकी इतनी सी पत्ती अगर आप तोड़ करके लगाते हैं, ऐसे ही खोज दीजिए जैसे ये पत्ती है, अगर ये मिट्टी में टच हो गई इस तरह से दूसरे गमले में देख तो भी इसका पौधा निकल आता है। ये देखिए इसकी आधी पत्ती या पूरी पत्ती तोड़ करके आप इसको किसी भी मिट्टी में दबा दें तो इसके अनेकों पौधे बन जाते हैं और इसके बेबी प्लांट बहुत निकलते हैं। तो आप, और ये शो प्लांट है, पत्तियाँ इसकी बहुत थिक होती हैं देखिए, और ये टूट इसे मोड़ने से बहुत जल्दी टूट भी जाती हैं। देखिए नन्ही सी कली लगी हुई है, अभी ये पूरा मैच्योर नहीं हुआ है क्योंकि जब ये खिलते हैं फूल तो ये पूरे फैल जाते हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये फूल पूरे खिल के फैल जाते हैं, ये देखिए अभी ये कलियां बनी हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं। आप इसे देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं, इसे आप अपने गार्डन में ऐड करें, मेडिसिनल प्लांट भी है, बहुत कम केयर में चलने वाला, एक पौधे से हज़ारों पौधे बनाने वाला, और फूल भी जब देता है तो बंचेस में देता है। और इसके फूल कम से कम 1 मंथ तक खिले रहते हैं, 15 दिन तो इसे हो गए इस इन कलियों के, और जब खिलना चालू होगा तो ये 15 दिन तक और बने रहते हैं। तो ये हम बहुत ही अच्छे लगते हैं, बड़े गार्डन में अपनी छटा बिखेरते हैं। तो दोस्तों इस पौधे को लगाइए, एक पत्ती से आप हज़ारों पौधे बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा पौधा है, मेडिसिनल प्लांट है। और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, कम केयर में चलने वाला पौधा है, इसे पानी कम दोगे तब भी आपके गार्डन में ये बना रहेगा। एक पत्ती से हज़ारों पौधे बेबी प्लांट निकलते हैं, इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। ओके, बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।